भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया, वो लोग कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष काम कर रहे हैं। अरे केंद्र में 100 संसद को निलंबित करने का काम केंद्र सरकार किया था, ये तो 18 को निलंबित हुआ, ये लोग 25 को में ये लोग 18 को निलंबित हुआ है। और विधानसभा सत्र के दौरान डिसिप्लिन और अनुशासन में नहीं रहिएगा तो क्या होगा। स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तो टीचर कैसे अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। कह रहे हैं कि जनता के सवाल पर जब जवाब नहीं दीजिएगा तब यही होगा। अरे भैया तो तरीके से सवाल को रखिएगा ना, संवैधानिक तरीके से रखिएगा ना। आप तो एकदम उपद्रव करने लग गए भाई, बड़का बड़का बैनर लेके विधानसभा में घुस गए, ये कहाँ का नियम। आप लोग भी तो घुस रहे थे 19 से पहले। 19 से पहले हम लोग सीएनटी एक्ट के मामले में घुसे थे, झारखंड के आदिवासी मूलवासी का जल जंगल जमीन के वास्ते घुसे थे। और ये जनता के मुद्दे की जहाँ तक बात है, जनता के मुद्दा पर तो सीएम साहब जवाब देंगे बोल करके कही है इनको। तो पूछ रहे हैं कि आप लोग बोले थे कि अनुबंध कर्मी को परमानेंट कब करेंगे, 5 लाख नौकरी कब देंगे, बेरोजगारी भत्ता कब देंगे। अनुबंध कर्मी को परमानेंट कब करेंगे? अनुबंध कर्मी तो देखिए, सरकार हमारा कितना साल हुआ इस राज्य में, सारा सरकार यही लोग चलाया और अनुबंध कर्मी का भी बहाली यही लोग किया। ये लोग अपने समय काल में कुछ किया ही नहीं, अब दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहा है कि कब आप लोग इसको समायोजन करेंगे, कब आप लोग स्थायी करेंगे। तो विचार हो रहा है इस पर, कब कीजिएगा, समय तो बीत गया ना? समय बीता नहीं है, समय है, विचार कर रहे हैं सीएम साहब कि कैसे राज्य में अनुबंध कर्मी के साथ कैसे न्याय किया जाए, इंसाफ कैसे किया जाए, विचार कर रहे हैं। देखिए पारा टीचर का जो आंदोलन चलता था, पारा टीचर को हम लोग सहायक टीचर के रूप में बहाली ले लिए। सिर्फ नाम बदला बोल रहे हैं? नाम नहीं बदला है, सहायक टीचर तो बना ना, पारा टीचर तो नहीं कहला रहा है, सहायक टीचर कहला रहा है। और भी बहुत से विद्यालय में भी जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, सहायक टीचर के रूप में बहाली हो रही है। तो ये सरकार 5 साल में 2 साल कोरोना चल गया। वो तो वही बोल रहे हैं कि विधायक जी के नाम के आगे मंत्री रख देंगे तो खुश हो जाएंगे जी, सिर्फ मंत्री लगा देंगे हो जाएगा। नहीं, मंत्री लगाने की बात चाहिए उसके साथ सब। नहीं नहीं वैसा कोई बात नहीं है, कहना यहाँ देखिए ये है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो लोग हैं, ये लोग साजिश करने वाले लोग हैं। साजिश कैसे, साजिश में साजिश, साजिश में साजिश, और साजिश में साजिश करने वाले ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, साजिश करके। ए विधायक जी, अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश में साजिश करते हैं, साजिश करके 2.5 साल हम लोग का नष्ट कर दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेजने के लिए लेकर के, और 2.5 साल हम लोगों का झारखंड में बर्बाद कर दिया, 2 साल तो कोरोना में चला गया। इसलिए ये लोग साजिश करके जनता को चाह रहे हैं अपनी ओर आकर्षित करके, गुमराह करके इस सत्ता में काबिज होना चाह रहे हैं, लेकिन जनता जान रही है। दिनेश विलियम आरंडी भी हैं, हेमंता बिश्व शर्मा पाकुड़ जाने वाले थे, उन्हें रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया, बोल रहे हैं। वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उसके बारे में हमको मालूम नहीं है, लेकिन लॉ ऑर्डर का मामला के हिसाब से वो किया गया है, पता किया जाए डीजीपी। भाजपा विधायकों को जो आज निलंबित किया गया, आप उसे कैसे देखते हैं? वो तो सही था ना, सही हुआ है। हाँ, गलत बात नहीं है, आप दिन भर रात भर वहीं बैठे रहिएगा। आपके मांग को सीएम साहब खुद जा करके कल सदन के बाद जाके बात किए, वो रिक्वेस्ट किए, खुद जा करके बात करके रिक्वेस्ट किए कि आपकी जो मांग है उसको पूरा कर दिया जाएगा जो बचा हुआ है, फिर भी आप बैठे हुए हैं तो उचित नहीं है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.